कि ओमिक्रॉन वेरिएंट की बढ़ती संख्या के साथ ही अस्पतालों में इससे लड़ने की तैयारी पर ध्यान दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सासाराम सदर अस्पताल में रखे वेंटिलेटर ऑपरेटर के अभाव में धूल फांक रहे हैं। ऐसे में रोहतास स्वास्थ्य विभाग ओमिक्रॉन से कैसे निपटेगा कहना मुश्किल है। सदर अस्पताल में वेंटिलेटर ऑपरेटर कब तक आएगा ये पता नहीं, और ना ही किसी को इसके संचालक के प्रशिक्षण के लिए अब तक भेजा गया है। वेंटिलेटर यहीं पर है, पहले कोरोना काल में दिया गया था ट्रॉमा सेंटर से 4 वेंटिलेटर जो डेली को और 2 को, और कोरोना काल खत्म होते ही लौटा लिया गया है और वो ट्रॉमा सेंटर में है। वेंटिलेटर का तो जरूरत अभी पड़ा नहीं, उपयोग नहीं हो रहा है। और दूसरी बात है कि वेंटिलेटर ऑपरेट करने वाला भी कोई नहीं, यहाँ प्रॉब्लम ये है। मैंने ट्रॉमा सेंटर में वेंटिलेटर ऑपरेट करने वाला कोई नहीं है, ICU में वेंटिलेटर है लेकिन ऑपरेट करने वाला कोई नहीं है। सदर की ICU और ट्रॉमा दोनों बोलो में वेंटिलेटर ट्रॉमा में 4 है, अब एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा लेकिन 4 है, यहाँ पर ICU में 2 है। वेंटिलेटर यहीं पर है, पहले कोरोना का